दांतों की हर बीमारी के लिए मेरठ का आधुनिकतम और उच्च तकनीक वाला क्लिनिक ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। आनंद डेंटल क्लिनिक A46 साकेत मूर्ति हॉस्पिटल चौराहा मेरठ। सेना में भर्ती को केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों व नियमों के खिलाफ देश भर में युवाओं में उबाल है। इसके खिलाफ जहाँ बिहार में पथराव हुआ और ट्रेन में आगजनी हुई है, तो वहीं देश के बाकी राज्यों में इसका जोरदार विरोध किया जा रहा है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड में लोग इसके खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। अग्निपथ स्कीम का सबसे ज्यादा विरोध बिहार में देखा जा रहा है। एक दिन पहले बुधवार को यहां के मुजफ्फरपुर और बक्सर में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शन के चलते जहां ट्रेनों की आवाजाही रोकनी पड़ी थी, वहीं दूसरी तरफ नेशनल हाईवे को भी जाम कर दिया गया था। बिहार में विरोध प्रदर्शन के चलते 22 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 5 के समय में फेरबदल किया गया है। कैमूर भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर आर्मी की तैयारी कर रहे जवानों ने इंटरसिटी एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया। बक्सर में उग्र छात्रों ने डुमारराव रेलवे स्टेशन पर भी आगजनी की है। सुविधा एक्सप्रेस के एसी बोगी के शीशे तोड़ डाले। नवादा में केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों ने प्रजातंत्र चौक पर जमकर हंगामा किया। इतना नहीं, नवादा भाजपा कार्यालय में भी आगजनी की गई। इस दौरान जगह जगह हुए विरोध प्रदर्शन की एक झलक। मेरा नाम अक्षय रावत है। अच्छा जी, जी आज रोड शो किया है, धरना प्रदर्शन किया है, क्या है पूरा मामला? टीओडी भारत सरकार ने जो नई कानूनी प्रणाली इंडियन आर्मी तीनों सेनाओं में जो लागू की है, इसका हम विरोध करते हैं। ये प्रणाली भारत सरकार में लागू नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़ कर वन रैंक वन पेंशन के नाम पर वोट मांगा था, और आज नो रैंक नो पेंशन का ड्रामा बनाकर हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। हम ये तानाशाही नहीं सहेंगे। आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? हम अपनी जान दे देंगे, दिल्ली तक जाएंगे, जान दे देंगे अगर नहीं पहन रहे तो। अपनी जान करेंगे। हम सब यहाँ जिंदा लाश खड़े हुए हैं। हमारे ही दोस्त 62 जो आज तक अब तक जो हमें पता चली है 62 लोगों ने फांसी लगा ली है। अर्थी दो या वर्दी दो, अर्थी दो या वर्दी दो। और दूसरी बात, हमारी अगर नई बात माने, हम यहाँ से रोड से उठाएंगे नहीं, चाहे आज हटाओ चाहे कल, हम नहीं जाएंगे। हम मरे हुए समान हैं, हमारी सांसें छीन ली गई हैं, छीन लो सांसें हमारी, फिर भी जिंदा है। भारत सरकार के इस फैसले पर हम शर्मिंदा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट ऑटो में। नमस्कार।